बिस्मिल रकमान रहीम सो वी आर कंटिन्यूइंग विद द एडवांस लेवल स्ट्रैटीज़ आज की जो हमारी स्ट्रैटी है वो जरा थोड़ी सिंपलर है ईजी टू जॉब ईजी टू अंडरस्टैंड इसका नाम भी बड़ा सिंपल है और उसका जो फंक्शनिंग है वो भी ज़रा ईजी टू ग्रास्प लॉजिकल है बट वी शुड डेफिनेटली नॉट टेक इट ईजी और उस पर हमें अपना वेट देना है दैट इज कॉल्ड कॉलर स्ट्रैटी कॉलर स्ट्रैटी इज एन ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटजी दैट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय होल्डिंग शेयर्स of underlying stock while simultaneously buying protective put and selling option against the holding let me come again buying underlying yani ki aap share khareedein sath uske ek put option khareedein jisko protective put hum keh rahe hain and selling calls selling call उन पे उसी शेयर पे अपने आप कुछ calls write करें and this strategy will be referred to as a collar पुट्स एंड कॉल्स आर बोथ आउट ऑफ द मनी ऑप्शन हैविंग सेम एक्सपायरेशन मंथ एंड मस्ट बी इक्वल इन नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो उसी एक्सपीरियड सेम होगा अदरवाइज ये फिर स्ट्रेटीज वर्क नहीं करेंगे एग्जाम्पल जैसे भी हमने बात की लॉन्ग हो गए हम हंड्रेड शेयर में एक हमने आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन सेल कर दी और एक हमने आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन बाय कर ली टेक्निकली कॉलर इज़ एक्विवलेंट ऑफ एन आउट ऑफ द मनी कवर्ड कॉल स्ट्रैटी विद द परचेज ऑफ एडिशनल प्रोटेक्टिव पुट आप क्या कर रहे हैं शेयर्स और कॉल को हमने बात की थी वो एक हो गई थी कवर्ड कॉल इसके साथ हमने एक प्रोटेक्टिव पुट भी डाल दी कि हमें बहुत ज़्यादा वो उसमें हम डाउन साइड पर अपने आप को सेफ आउट भी कह रहे हैं तो ये मेन स्पिरिट इसका ये है ये तीन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हमारी ये स्ट्रेटी वर्क करेगी इट इज़ ए गुड स्ट्रैटी टू यूज इफ ऑप्शन ट्रेडर इज़ राइटिंग कवर्ड कॉल्स टू ऑन प्रीमियम बट विश टू प्रोटेक्ट हमसेल्फ फ्राम एन अनएक्सपेक्टेड शार्प ड्रॉप इन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग सिक्योरिटी मेन उसका एम क्या है कि कॉल्स राइट करके वो कुछ कमाना चाहता है लेकिन एट द सेम टाइम ये भी चाहता है कि ये ना हो कि मेरे शेयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा घेर जाए ये स्ट्रेटीज़ की जो इंटेंशन है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इसको हमें समझना है कि किस सिचुएशन में किस इंटेंशन हमारी है उसके अकॉर्डिंगली स्ट्राटी सजेस्ट होगी तो ये अगर आप इसको ग्राफिकली देखें तो ये क्या हम कर रहे हैं कि हम ऑफ साइड जो है हमारा प्रॉफिट जो है वो हम गेन करना चाह रहे हैं विद राइटिंग द कॉल्स एट द सेम टाइम हम अपने लोअर साइड रिस्क को भी कैप्चर कर रहे हैं कि वो कहीं बहुत ज़्यादा उसमें फॉल ना आ जाए बिकॉज स्टॉक की प्राइस अगर गिरे तो वो ज़ीरो तक भी जा सकती है तो वी डोंट वॉन्ट टू बी इन दैट सिचुएशन के बहुत मेजर फॉल आ जाए मैक्सिमम प्रॉफिट जो हमारा इससे आ सकता है दैट इज स्ट्राइक प्राइस ऑफ शॉर्ट कॉल जो हमने राइट की हुई है माइनस परचेज प्राइस ऑफ अंडरलाइन जिसको हमने एक्चुअली एसेट को लिया हुआ है वो प्लस नेट प्रीमियम रिसीव माइनस एनी कमीशंस पेड तो मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव व्हेन स्टॉक प्राइस ऑफ अंडरलाइंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द स्ट्राइक प्राइस ऑफ शॉर्ट कॉल तो उस सिचुएशन में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा ये हम फिगर्स के साथ भी डाल के करेंगे बात यू डी नॉट टू वरी बट इसका लॉजिक जरा यहाँ पे समझ ले मैक्सिमम लॉस क्या होगा परचेज प्राइस ऑफ अंडरलाइंग माइनस स्ट्राइक प्राइस ऑफ लॉन्ग पुट माइनस नेट प्रीमियम रिसीव्ड प्लस कमीशन पेड दिस इज द मैक्सिमम लॉस विच वी कैन इनकार और ये कब होगा वेन योर अंडर लाइंग इज इज इक्वल टू और लेस देन द स्ट्राइक प्राइस ऑफ लॉन्ग पुट उससे ये नीचे है तो फिर हमें ये मैक्सिमम लॉस इनकार होगा ब्रेक इवन पॉइंट पॉइंट्स, इसलिए हमने कहा क्योंकि इसमें दो ब्रेक इवन पॉइंट होंगे

ब्रेक इवन द अंडरलाइन प्राइस इन विच ब्रेक इवन इज़ अचीव फॉर द कॉलर स्ट्रेटजी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूला ब्रेक इवन के लिए भी हमारे पास फार्मूला आ गया हमारे पास तीनों चीज़ों के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए भी मैक्सिमम लॉस और ब्रेक इवन तीनों के फार्मूलाज आ गए हैं ब्रेक इवन का क्या है परचेज प्राइस प्लस नेट प्रीमियम पेड तो वो अगर हमें रिसीव होगा तो उसमें वो एडजस्ट हो जाएगा तो बोथ एंड्स में हमारे इसमें कैप्चर हो जाएंगे अभी हम इसको सिंपल ध्यान रखते हैं इन आर कमिंग मॉड्यूल वी विल प्लेस फिगर्स इन दिस और इसको हम एक्चुअली मटीरियलाइज करेंगे कि ये कैसे स्ट्रैटेजी वर्क करती है थैंक यू